नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के लिए, आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे कि सर, हमारी जो स्टडी है वो बाधित हो रही है, क्लासें भी नहीं चल रही हैं, कोचिंग संस्थान जो है प्रभावित हो रही हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के मैंने और मेरे कुछ साथी हैं, हमारी जो टीम है एजुकेशन, जीपी एजुकेशन जो टीम है, हम सब ने मिलकर एक मंच तैयार किया और इस मंच के माध्यम से आपको सभी विषयों की, सभी जो क्लासें हैं, सभी चैप्टर और सभी जो विषय हैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैं जो है आपको राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति दोनों सब्जेक्ट की क्लासें प्रॉपर टाइमली आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। पॉलिटी या राजनीति विज्ञान विजय सर आपको करवाएंगे, साइको की क्लास आपको विजय सर करवाएंगे, मैथ के लिए अनिल जी पंकज सर हैं, रीजनिंग के लिए देसराज जी मीणा जी हैं और रीजनिंग के लिए नेमचंद जी सामुता जी भी हैं, साइंस के लिए काजला जी भी हैं, अमित जी सर भी हैं। तो बहुत अच्छी टीम है हमारी, कोई समस्या नहीं होगी। हिस्ट्री के अलावा आज का जो हमारा अध्याय है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कला संस्कृति। आज हम बात करेंगे कला संस्कृति के बारे में। कला संस्कृति में देखना चाहती हूँ, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कला आपकी अलग होगी और संस्कृति आपकी अलग होगी। संस्कृति में आपकी चीजें आती हैं जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, परंपरागत अनुसार जो हमारी संस्कृति को हम निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा राजस्थान सुबह से भी रंगीलो राजस्थान है। संस्कृति का मतलब जो हमारे लोकगीत हैं, जो मान्यताएं हैं, लोग देवता, लोग देवियां, ठीक है साथियों, त्योहार, तीज त्योहार, वो सभी किसमें शामिल है? संस्कृति में शामिल है, हमारे जो मेले हैं। कला के अंदर आप क्या आते हैं, आपकी जो स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, ठीक है, आपकी चित्रकला, दुर्ग है, किले हैं, मंदिर है, महल है, ये सभी किसमें आती हैं? आपकी कला में आती है। मध्य कई समय से देख रहा हूँ, कुछ समय से लगातार देख रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से भी, कि सभी जो टीचर्स हैं वो पहले पार्ट लेते हैं संस्कृति का और यूट्यूब के ऊपर भी संस्कृति का पार्ट पहले डालते हैं। और कोचिंग में भी ऐसा होता है, संस्थानों में पहले संस्कृति पढ़ाई जाती है, तो बच्चों की जो रह चुकी होती है वो तो कौन सा पार्ट है? कला का। कई बच्चों की बोले सर ने मैसेज भी बोला, सर आप हमें स्थापत्य कला में कोई भी पार्ट पहले करवा दीजिए, क्योंकि संस्कृति का पार्ट तो हर टीचर करवा देता है, स्थापत्य कला कोई भी टीचर जो है पहले नहीं करवाते। तो इसीलिए हम जो पहले शुरुआत करेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा कला का, या यू कहें पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला में दुर्ग निर्माण, किले निर्माण, महल निर्माण, भवन निर्माण, कुएं, बावड़ी, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम लेंगे क्या? दुर्ग और किले। क्या लेंगे आज का टॉपिक क्या होगा? दुर्ग व किले, कि भाई राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन से किले हैं, क्यों इनका निर्माण हुआ, कौन सा किला कौन से दुर्ग में है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आप कमर कस लीजिए। और राम का नाम बार बार आप जपते रहिए। तो क्या है अपने दुर्ग व किले? दुर्ग प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यहां आप देखना अपना ये पार्ट है फर्स्ट, कौन सा पार्ट है ये अपना पार्ट होगा आज का फर्स्ट। दुर्गों की क्या आवश्यकता पड़ गई कि राजा महाराजाओं ने दुर्ग बनाए? तो दुर्ग निर्माण के लिए देखो, एक तो क्या है कि भी सामरिक महत्व है, कौन सा महत्व है? सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व की दृष्टि से दुर्ग निर्माण अति आवश्यक है, कि जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर देता है तो उसके बचाव के लिए ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि आसानी से बाहरी सेना किले में या अपने राज्य में प्रवेश ना कर सके। तीसरा, राज्य कोष की सुरक्षा के लिए। चौथा, राज्य परिवार की सुरक्षा के लिए। तो इन सभी चीजों की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पुराने समय में जो राजा महाराजा या शासक हुआ करते थे वो पहाड़ी किलों
किलो का निर्माण सर्वाधिक किया करते थे। तो आज बात करते हैं हम दुर्गों की। देखना दोस्तों, शुक्र नीति में किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 9 भागों में विभाजित किया गया है। किनको? दुर्गों को। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। कितने भागों में? 9 भागों में। मैं देखता हूं वीडियो यूट्यूब के ऊपर कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो भी डालते हैं। वो क्या करते हैं, अचानक से भाग के आते हैं, एक ही वीडियो डाल देते हैं कि साफ चित्तौड़ा किला बढ़ाएंगे। कभी आते हैं कुंभलगढ़ किला बढ़ा दिया, कभी करते हैं पुराना मंदिर बढ़ा देंगे। ऐसे क्या है यार? अगर पढ़ना और पढ़ाना है तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं जो भी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी टीम जो भी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो स्टेप बाय स्टेप होगी। तो हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 कोटियों में, 9 श्रेणियों में या 9 भागों में विभाजित किया गया है। 9 भागों के बारे में आपको मैं बता देता हूं। पहला आप यहां पे देखना, पहला आप यहां देखना, टेक्निकल टीम एक बार ध्यान देगी, टेक्निकल टीम दिख रहा है सही? हाँ, तो देखना पहला अपना जो है वो आपका आता है जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जल दुर्ग। इसी का दूसरा नाम है औदक दुर्ग। जल दुर्ग और इसी का नाम है औदक दुर्ग। ये क्या होता है? तो इसमें देखना, वह दुर्ग जो किसी नदियों के संगम के ऊपर या झील या किसी तालाब के किनारे के ऊपर निर्मित हो, यानी जिसके तीन ओर से, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, वो कौन सा होगा? वो आपका होगा जल दुर्ग। यानी तीन ओर से या नदियों के किनारे पर जो दुर्ग बना होता है वो कौन सा होगा? जल दुर्ग या औदक दुर्ग होगा। जरूरी नहीं कि वो नदी के किनारे पर हो या नदियों के संगम के ऊपर हो, तालाब के किनारे है तो भी कौन सा होगा? जल दुर्ग होगा। झील के किनारे पर है तो भी कौन सा होगा? जल दुर्ग होगा। और इस जल दुर्ग का राजस्थान में उत्तम जो उदाहरण मानते हैं, वो उत्तम उदाहरण है आपका गागरौन का किला। गागरौन का किला जो है झालावाड़ में, कहां है? झालावाड़ में। ये काली सिंध और अहू नदियों के संगम के ऊपर निर्मित है। कौन सा? गागरौन का किला। इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। दूसरे अपन बात करें, दूसरी श्रेणी कौन सी है? तो वह है आपकी गिरी दुर्ग। कौन सा है? गिरी दुर्ग। इसे को कहते हैं पहाड़ी दुर्ग। तो गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? वह दुर्ग, ध्यान दीजिए, वह दुर्ग जिसका निर्माण किसी पहाड़ी या पठार या किसी पर्वत के ऊपर किया गया हो, वह दुर्ग कौन सा होगा? तो वह होगा गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग। ठीक है, वह दुर्ग जिसका निर्माण किसी पहाड़ी, पहाड़, पर्वत या पठार के ऊपर हुआ, वह कौन सा होगा? गिरी दुर्ग, जैसे चित्तौड़ का किला है। अगले की हम बात करते हैं आपकी, यहां पर अगला आपका आता है वन दुर्ग। कौन सा है? वन दुर्ग। और चौथा आपका आता है एरण दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? एरण दुर्ग। देखना वन दुर्ग और एरण दुर्ग, इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इन दोनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना, नहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। इजीली क्वेश्चन पुटअप होता है किसी के एग्जाम में, कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी में शामिल है, तो आप बता नहीं सकते हो, बता नहीं पाते हो। और अक्सर देखा जाता है कि आसानी से जो क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, जो इजी वे में जो क्वेश्चन आते हैं, वही अक्सर गलत हो जाते हैं। वन दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से सघन वन से घिरा हुआ हो, सघन जंगल या वन से घिरा हुआ हो, या सघन वन में जिसका निर्माण हुआ हो, वह कौन सा दुर्ग होगा? वह होगा वन दुर्ग होगा। कौन सा दुर्ग होगा? वन दुर्ग होगा।
के लिए जिस ध्रुव तक पहुंचने के लिए कटीलेदार झाड़ियों युक्त पथरीले दुर्गम रास्ते बने हुए हो, वो कौन सा होगा? एरन ध्रुव होगा। देखना, कटीलेदार झाड़ियों युक्त पथरीला, कैसा भाई? पथरीला दुर्गम रास्ता बना हुआ, वो कौन सा होगा? एरन ध्रुव होगा। तो कटीलेदार झाड़ी युक्त पथरीला दुर्गम रास्ता जिस ध्रुव तक पहुंचने के लिए बना हुआ हो वो कौन सा होता है? एरन ध्रुव श्रेणी में शामिल होता है। इसका उत्तम उदाहरण है आपका रणथंभौर किला। कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा ध्रुव इसका उदाहरण है? रणथंभौर ध्रुव इसका उदाहरण है। पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा आपका यहां पर आ जाएगा पारिख दुर्ग। कौन सा है? पारिख दुर्ग। और छठवां आपका यहां पर आएगा पारिध दुर्ग। दोनों में फर्क नहीं है, देखना, एक है पारिख और एक है पारिध, यहां पर दिख रहा है सर? तो पारिख में क्या है? देखो ख है, पारिख में क्या है? ख। और पारिध में क्या है? ध। क्या जी? ध। तो पारिध में द है और पारिख में ख है, दो है, एक पारिख है और एक पारिध है। पारिख वह दुर्ग है जिसे दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई का निर्माण किया गया हो वह कौन सा किला होगा? पारिख किला होगा या पारिख दुर्ग होगा। कैसे खाई? तो पारिख दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जिसे दुर्ग के चारों ओर परकोटे या दीवार या प्राचीर का निर्माण किया गया हो वो कौन सा होता है? तो वो होता है पारिध दुर्ग। ठीक है, धैसे दीवार कर लेना, कैसे खाई कर लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें। तो जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी खाई, वो कौन सा होगा? पारिख दुर्ग। आगे देखना, पारिध दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा बना हुआ हो, परकोटा का मतलब वह होती है आपकी दीवार या बोल सकते हैं प्राचीर, जिसके चारों ओर परकोटे या दीवार या प्राचीर का निर्माण किया गया हो, हाँ, सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया हो वो कौन सा होगा? पारिध। तो अपने छह तो हो गए, कौन से? जल ध्रुव के, गिरी ध्रुव के, वन ध्रुव के, एरन ध्रुव के, पारिख ध्रुव और पारिध ध्रुव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे भी आपको बता दूं। अगली जो अपनी श्रेणी आती है वो आपकी आती है सातवां अपना जो ध्रुव है वो आपका आएगा धानवन ध्रुव। धानवन ध्रुव श्रेणी में कौन से किले शामिल होते हैं? ध्यान देना, धानवन ध्रुव वो होता है जो चारों ओर से मिट्टी के टीलों से या यूं कहें रेगिस्तान से गिरा हुआ हो, या वह ध्रुव जो रेगिस्तान में निर्मित हो, या जो जिसके चारों ओर क्या हो? मिट्टी के टिल्ले हो, जिसके चारों ओर हो वो कौन सा होगा? तो वो होगा धानवन ध्रुव। ठीक है साथियों, जैसे आपका जैसलमेर किला, बाड़मेर ध्रुव, ठीक है। इसके बाद में आठवें की हम बात करते हैं, आठवें में कौन सा शामिल होगा? आठवां और नौवां। आठवां आपका आता है सैन्य ध्रुव श्रेणी और नौवां आपका आता है सहाय ध्रुव श्रेणी। कौन सा है? सहाय ध्रुव। सैन्य ध्रुव कौन सा होता है? वह ध्रुव जिसमें सेना निवास करती हो या सेना के लिए उचित सैन्य की छावनियां बनी हुई हो। क्या बनी हुई हो? सैन्य की छावनियां।
सैनिक छावनियां बनी हुई हो या फिर जहां पर सेना का जो उचित प्रबंधन हो वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? सैन्य दुर्ग। तो लगभग सभी जो दुर्ग हैं राजस्थान के कैसे हैं? सैन्य दुर्ग है, क्योंकि सेना तो हर दुर्ग में निवास करती है। अगला अपना आता है सहाय दुर्ग। सहाय से थोड़ा आभास हो रहा है, सहाय का मतलब सहारा, ठीक है। तो वह दुर्ग जिस दुर्ग में राजा या सम्राट का जो परिवार भाई बंधुजन या उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार उसमें निवास करते हो वह दुर्ग कौन सा कहलाता है? सहाय दुर्ग। तो क्या लिखेंगे इसमें? वह दुर्ग जिसमें राजा के सगे संबंधी, क्या सगे संबंधी वह भाई बंधुजन, कौन से बंधुजन है? भाई बंधुजन निवास करते हो वह कौन सा किला होगा? वो होगा आपका सहाय दुर्ग। तो मैंने आपको नौ श्रेणियां बताई किलों की, कौन कौन से एक बार रिपीट कर देता हूं। जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग का दूसरा नाम है उदक दुर्ग, ठीक है। गिरी दुर्ग जो पहाड़ी दुर्ग या पर्वतीय किला भी कहलाता है। तीसरा आपका आता है धानवा दुर्ग, एरन दुर्ग, वन दुर्ग, ठीक है साथियों। सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा पारिक दुर्ग और पहाड़ी के दुर्ग। ये नौ श्रेणियां आपको याद करनी है। वीडियो को चलते ही वीडियो को आप बीच में रोक करके साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं भी जिंदगी में आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वादा करता हूं। एक एक पॉइंट हम साथ लेकर चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन साथ में आप वीडियो को रोक करके अपने कॉपी या बुक्स में नोट्स जरूर बनाते रहिए। चलिए यहां तक अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर सभी के पास होंगे। ठीक है, नंबर सभी के पास है, नहीं है तो आपके पास ये मेरे नंबर है 9829264974। ठीक है, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? अपन पहला दुर्ग पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं। देखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस जिले में है तो वो जिला कौन सा है? वो जिला भी है आपका चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यह जिस पहाड़ी के ऊपर या जिस पठार के ऊपर निर्मित है वो है आपका मेसा का पठार। कौन सा है? मेसा का पठार। चित्तौड़ किला कहां निर्मित है? तो मेसा के पठार के ऊपर निर्मित है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 630 मीटर। ऊंचाई कितनी है? लगभग 30 मीटर या लगभग 1850 फीट। दरअसल से चित्तौड़ किले की ऊंचाई कितनी है? फीट में देखें तो 1850 फीट और मीटर में बात करें तो 630 मीटर। और जिस पठार के ऊपर किला निर्मित है वो कौन सा है? मेसा का पठार। चित्तौड़ दुर्ग जो है ये दो नदियों के किनारे के ऊपर, संगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, यहां संगम नहीं हो रहा है, ये दो नदियों के किनारे के ऊपर निर्मित है। दो नदियां कौन सी हैं? गंभीरी, कौन सी नदियां हैं? गंभीरी व बेड़स नदी। गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे के ऊपर ये निर्मित है। तो गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे पर कौन सा किला निर्मित है? चित्तौड़गढ़ किला निर्मित है। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि चित्तौड़ दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम के ऊपर, या सॉरी कौन सी दो नदियों के किनारे के ऊपर निर्मित है, तो कौन सा है? गंभीरी और बेड़स नदी। इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण संबंधी साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं होते, यानी चित्तौड़ किले का निर्माण किसने किया, कब किया, यह साक्ष्य कहीं से नहीं मिलते हैं। लेकिन एक इतिहासकार थे कवि राजा श्यामलदास,
कवि राजा श्यामल दास। और कवि राजा श्यामल दास ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या था? वीर विनोद। क्या नाम था दोस्तों? वीर विनोद। और वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास कहते हैं, क्या कहते हैं, कि चित्तौड़ किले का निर्माण, चित्तौड़ किले का निर्माण दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य, दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य किसने करवाया? दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो निर्माता कौन है चित्तौड़ किले का? चित्रांगद मौर्य। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। किसने लिखा वीर विनोद? कवि राजा श्यामल दास ने। और कवि राजा श्यामल दास क्या कहते हैं कि चित्तौड़ किले का निर्माण दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई गाइड्स में या कुछ जो टीचर लिखाते हैं वो चित्रांगद ऑब्लिक चित्रांग भी लिखाते हैं, लेकिन आरपीसी ग्रेड सेकंड 2010 में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़ किले का निर्माता कौन है, तो आरपीसी ने दोनों ऑप्शन दिए थे, चित्रांगद मौर्य और चित्रांगद मौर्य। लेकिन आरपीसी ने सही किसको माना था? चित्रांगद मौर्य को सही माना था। तो अपने को भी किसको सही मानना है? चित्रांगद मौर्य को ही अपने को सही मानना है। ये क्वेश्चन पहले से आ रखा है आरपीसी में 2010 की वैकेंसी में। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि चित्तौड़ किले का निर्माता चित्रांगद मौर्य को मानते हैं, लेकिन 734 ईस्वी में, तब की बात कर रहा हूं, 734 ईस्वी, 734 ईस्वी में मेवाड़ में एक गुहिल वंशीय शासक हुए। कहां पर हुई थी? मेवाड़ में। मेवाड़ में गुहिल वंशीय शासक, कौन से वंश के? गुहिल वंशीय शासक हुए, जिनका नाम था बप्पा रावल या कालभोज। कौन थे? बप्पा रावल या कालभोज थे गुहिल वंशीय शासक, जिन्होंने चित्तौड़ का शासक मान मौर्य, क्या नाम था? मान मौर्य। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के या मेवाड़ के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य से युद्ध किया, और इस युद्ध में दोनों के मध्य भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में वीर राजपूत योद्धा बप्पा रावल या कालभोज ने मान मौर्य को युद्ध में परास्त किया, और चित्तौड़ किले के ऊपर किसका स्थापना है, कौन सा राजवंश स्थापित हो जाता है? गुहिल वंश की इसके ऊपर स्थापित हो जाता है। तो 734 ईस्वी में चित्तौड़ किले के ऊपर अधिकार हो जाता है किसका? गुहिल वंशीय शासकों का या बप्पा रावल का। किसका हो जाता है? बप्पा रावल या कालभोज का। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखना दोस्तों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्तौड़ किले की बात करें तो चित्तौड़ के गढ़ किले की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? चित्तौड़ किले की लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल इसका कितना है? तो चित्तौड़ किले की लंबाई तो है 8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 8 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो चित्तौड़ दुर्ग की चौड़ाई है 2 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ किले की लंबाई है 8 किलोमीटर, चौड़ाई है 2 किलोमीटर, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तथा चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है? लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला, जिसकी लंबाई तो कितनी है? 8 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। चित्तौड़ किले के बाद में अगर दूसरे नंबर का लिविंग फोर्ट कोई और है तो वो कौन सा है? जैसलमेर किला।
ठीक है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हिंदी में बात करें तो सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें वर्तमान समय में खेती का काम होता है तो वो कौन सा है? राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें वर्तमान समय में खेती भी होती है तो वो कौन सा है? वो भी कौन सा होगा? आपका चित्तौड़गढ़ किला ही होगा। चित्तौड़ किले में वर्तमान समय में क्या हो रही है? खेती भी होती है। यहां तक कोई डाउट? डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हम बात करते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ किले का वास्तविक निर्माता, निर्माता कौन था? चित्रांगद मौर्य। लेकिन चित्तौड़गढ़ किले का वास्तविक निर्माता किसको कहा गया है? तो वास्तविक निर्माता कहा गया है महाराणा कुंभा। क्या कहा गया है? वास्तविक निर्माता। चित्तौड़गढ़ किले का वास्तविक निर्माता किसको कहा गया है? राणा कुंभा को वास्तविक निर्माता कहा गया है, क्योंकि कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए। कुंभा ने क्या करवाए? चित्तौड़ किले में सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाए। चित्तौड़गढ़ किले में पहला निर्माण कार्य कुंभा क्या करवाते हैं? चित्तौड़ के परकोटे का निर्माण करवाते हैं। दूसरा, चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के लिए सर्पिलाकार मार्ग का भी निर्माण महाराणा कुंभा ही करवाते हैं। कैसे मार्ग का? सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा करवाते हैं। तो कुंभा ने क्या करवाया? सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण। ठीक है दोस्तों, यह आपका चित्तौड़ किला है। क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो कुंभा ने क्या करवाया? इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचने के लिए ऐसे सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया, क्योंकि सीधी पहाड़ी के ऊपर निर्मित है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और सीधी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सीधा रास्ता नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो अपन क्या हो जाएंगे? औंधे मुंह, उल्टे मुंह आगे गिर जाएंगे धरती के ऊपर, कभी कोशिश ही मत कर लेना सटने की। इसलिए कुंभा ने क्या करवाया? ऐसे सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, इस सर्पिलाकार मार्ग के ऊपर कुंभा ने 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया। कितने द्वारों का? 7 प्रवेश द्वार, या कहें 7 दरवाजों का निर्माण करवाया। 7 दरवाजों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इसलिए कुंभा क्या कहा गया? चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक निर्माता किसे माना गया? महाराणा कुंभा को माना गया। 7 दरवाजे कौन कौन से चित्तौड़ किले के? बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि चित्तौड़ किले के प्रमुख 7 दरवाजे कौन कौन से हैं। ध्यान देना, यहाँ पे बने रहिए आप। पहला देखना, यहाँ पर चित्तौड़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा आता है? आपका पांडरने पोल। पांडरने पोल, कई लोग इसको पांडव पोल बोलते हैं, लेकिन पांडव पोल नहीं है, ये क्या है? पांडन पोल है, जो क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पांडन पोल है। जब भी कभी आप चित्तौड़ किले में घूमने जाओ तो मार्केट से निकलते ही चित्तौड़ किले पर जो पहला आपको दरवाजा मिलेगा उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है क्या? पांडन पोल या मुख्य प्रवेश द्वार। दूसरा जो आपका दरवाजा आता है वो आपका आता है क्या? भैरव पोल। भैरव पोल, अरे पहाड़ी दुर्गों का स्वामी किसको मानते हैं? भैरव जी महाराज को या काल भैरव को पहाड़ी किलों का स्वामी माना जाता है। क्या माना जाता है? पहाड़ी किलों का स्वामी माना जाता है। तो भैरव जी की आराधना तो जरूरी होती है कि नहीं होती? 2-4 सांचे इसको भी लगाने पड़ेंगे भाई, लगाएंगे ना लगाएंगे, वैसे भी लॉकडाउन में बंद हो गए सांचे तो। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका दरवाजा आता है वो कौन सा होगा? वो आपका होगा हनुमान पोल। कौन सा होगा? हनुमान पोल। और मैं भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भाई भक्त हूं, आप लोग भी हो नहीं हो? ठीक है, तो हनुमान पोल आता है, देखना पाटन पोल मुख्य प्रवेश द्वार, दूसरा आता है भैरव पोल, और भैरव जी को धोखने के बाद इन भोग किसको लगाएंगे? हनुमान जी के भोग लगाएंगे। लगाएंगे या लगाएंगे? अब घर में जब भी शुभ कार्य होता है, और कुंभा भी क्या कर रहा था? निर्माण कार्य करवा रहा था। तो जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो पहले हम गणेश जी को मनाते हैं। दादा गणेश जी तो भूलू तू, गणेश जी तो नाराज हो गए।
तो कुंभा जी को याद आया भाई गणेश जी को भूल गए हम, तो कुंभा ने क्या करवा दिया, बोला ठीक है हनुमान जी के बाद में याद कर लेते हैं। तो आपका अगला जो पोल है वो कौन सा होगा, गणेश पोल। ध्यान रखना पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, और अब किसको मना लिया कुंभा ने, गणेश भगवान के भी क्या लगा दिया भोग। गणेश जी के बाद में जो आते आते हैं वो आता है जोड़ला पोल। कौन सा आता है, जोड़ला पोल। अरे राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी थी कि रावण भी कहने पर मजबूर हो गया कि तुम दोनों तो भाई जोड़ले भाई लग रहे हो। कैसे भाई लग रहे हो, जुड़वा या जोड़ले भाई लग रहे हो, क्योंकि उन दोनों भाई में राम में लक्ष्मण में प्रेम ही इतना था। तो अपना अगला जो पोल आएगा कौन सा आएगा, जोड़ला पोल। कौन सा पोल साथियों, जोड़ला पोल, ठीक है। और जोड़ला पोल क्यों, क्योंकि राम और लक्ष्मण की जोड़ी कैसी लगती थी, जैसे दोनों जोड़ले भाई हो। और जब भी घर में बंटवारा होता है संपत्ति का, तो पहला हक छोटे भाई को दिया जाता है, देते उन्हें देते हो, अरे भाई देना छोटे भाई को पहला हक। तो राम में लक्ष्मण में छोटा भाई कौन था, लक्ष्मण। तो आपका छठवां जो पोल आएगा वो कौन सा आएगा, लक्ष्मण पोल। कौन सा आएगा, लक्ष्मण पोल। और अब आपका सातवां पोल कौन सा हो गया, राम पोल। तो इस प्रकार चित्तौड़ किले में कितने प्रवेश द्वार हैं, सात प्रवेश द्वार हैं, पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, और राम लक्ष्मण कैसे लगते थे, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, और अंतिम कौन सा है, राम पोल। इस प्रकार चित्तौड़ किले में सात प्रवेश द्वार हैं जिनका निर्माण कुंभा ने करवाया, और सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण भी किसने करवाया, कुंभा ने करवाया था। चलिए जी आगे बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आगे चलते हैं, देखना साथियों चित्तौड़ किले में तीन शाखे संपन्न हुए, कितने शाखे संपन्न हुए, तीन शाखे संपन्न हुए। बोला गुरु जी यह क्या बीमारी है, शाखा कितने शाखे हुए, तीन शाखे संपन्न हुए। शाखे के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं, शाखा कब होगा, जोहर पलस केसरिया बराबर शाखा, यानी जब भी कोई भारी आक्रमणकारी जब राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता था, तो जब जीतने की जो है संभावना कम होती थी, उस समय वीर राजपूत योद्धा या वीर रणबांकुरे केसरिया बाना पहन करके युद्ध मैदान में कूद पड़ते थे, रण के क्षेत्र में कूद पड़ते थे, इस प्रकार कि भाई अब तो मारना है या मरना है। उस समय जो वीरांगनाएं होती थी या राजा की जो रानियां होती थी, वो महिलाएं क्या करती थी, जोहर की तैयारी करती थी। जैसे संदेश मिलेगा कि राजपूत क्षत्रिय योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, तो जो वीरांगनाएं थी वो क्या कर लेंगी, जोहर संपन्न कर लेंगी। जब जोहर और केसरिया, जोहर का मतलब आत्मदाह करना, जब जोहर और केसरिया दोनों संपन्न हो जाते हैं, तो क्या माना जाता है, साकार माना जाता है। क्या माना जाता है, साकार माना जाता है, जोहर यानी सती होना, ठीक है साथियों। तो चित्तौड़ दुर्ग में कुल तीन शाखे संपन्न हुए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़ किला, जहां पर सर्वाधिक तीन शाखे संपन्न हुए हैं, बाकी किसी किले में तीन शाखे संपन्न नहीं हुए। वो और बात है कि जैसलमेर किले में तीसरा शाखा संपन्न होने जा रहा था, तीसरा शाखा संपन्न होने जा रहा था, लेकिन बेचारा को तो आधा ही रह गया, तो वो तो ढाई हो गए, वहां तो तीन तो नहीं हुआ, यहां कितने हो गए, यहां तीन शाखे संपन्न हुए। सर्वाधिक शाखों वाला किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ किला, जिसे हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का अभिमान कहते हैं, किसको, चित्तौड़ दुर्ग को, क्योंकि चित्तौड़ की कहानी जो है वीर रणबांकुरे के महान उनकी गाथाओं से भरी हुई है। चित्तौड़ के बारे में जितना हम चित्तौड़ के इतिहास पढ़ते हैं, तो अंदर से एक वीर गाथा अपने मन में, एक वीर योद्धा का भाव उत्पन्न होने लगता है। चित्तौड़ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। चित्तौड़ में तीन शाखे संपन्न हुए, हम पहले शाखे की बात करें तो चित्तौड़ का जो पहला शाखा है वो आपका संपन्न हुआ था 1303 ईस्वी में,
ये बातें हम इतिहास में भी आपको पढ़ा देंगे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में शासक थे रावल रतन सिंह, और उस समय जो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं वो आपके हैं दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी यानी एके पोटीशरण था आपने भाई, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण? क्या ऐसी वजह रही होंगी कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने को मजबूर हुआ? महत्व कम से थी, चित्तौड़ का महत्व है या चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना? नहीं जी, यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी अलग ही कहानी बताते हैं, वो आपको पूरी कहानी बताता हूं मैं। देखना, जब चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था, यहां का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। कब? 1303 में, 1301 से 1303 तक शासक रहा। उस समय आपके यहां दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तीन चीजें अपने सामने हैं, एक आपका यहां पर है सिंघल द्वीप। क्या है दोस्तों? सिंघल द्वीप। इसी का वर्तमान में नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। और सिंघल द्वीप का शासक था राजा गंधर्व सेन। कौन था? राजा गंधर्व सेन। तीन बातें अपने सामने हैं, चित्तौड़, दिल्ली और सिंघल द्वीप। चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और सिंघल द्वीप या श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के बारे में पहले बात करते हैं सिंघल द्वीप की। तो गंधर्व सेन की एक सुंदर सी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था दोस्तों? पद्मिनी। सबसे दिखा चल रहेगा तेरी टीम एक बार ध्यान देगी, पद्मिनी। तो राजा गंधर्व सेन की एक सुंदर कन्या थी, और सुंदर कन्या का नाम क्या था? पद्मिनी। आप सभी ने सुना होगा पद्मिनी का नाम। इस पद्मिनी के पास में एक तोता हुआ करता था जिसका नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता। क्या नाम है दोस्तों? हीरामन तोता। यह हीरामन तोता, इसका हीरामन नाम नहीं है, हीरामन तोते की एक प्रजाति होती है जो मनुष्य की बाती बोलते हैं, मनुष्य की बाती बातें किया करते हैं। हुआ क्या कि पद्मिनी जो है अपना लगभग समय इसे हीरामन तोते के साथ में बिताया करती थी। तोता तो पक्षी था लेकिन पद्मिनी तो भाई मनुष्य थी, और एक मनुष्य सारा जो अपना समय तोते के साथ में बिता रहा है तो कहीं ना कहीं तो भाई गड़बड़ है। गड़बड़ वैसी नहीं थी यार, गड़बड़ थी वो सही थी। गड़बड़ क्या थी कि भाई राज परिवार की जो कन्या थी कौन? पद्मिनी। उसके साथ में बात करने वाले कोई लोग नहीं थे तो उसने अपना समय किसको दे दिया? तोते को। उसके पिताजी गंधर्व सेन को जब यह बात पता लगती है कि मेरी कन्या, मेरी राजकुमारी पद्मिनी अपना समय जो है तोते के साथ में बिता रही है, तो गंधर्व सेन क्या है? चिंतित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गंधर्व सेन चिंतित हो जाते हैं। चिंता का विषय क्या था? चिंता का विषय यही कि पद्मिनी अपना सारा समय तोते के साथ में बिताया करती थी। तो गंधर्व सेन ने क्या किया? इस तोते को एक लुहार को बेच दिया। किसको बेच दिया? लुहार को बेच दिया। किसको बेच दिया साहब? लुहार को बेच दिया। कुछ समय बाद में लुहार आ जाता है कहां पर? चित्तौड़ में। लुहार कहां गया? चित्तौड़ में आ गया। ये बात साथियों मैं कह रहा हूं, ये बात कौन कह रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। ध्यान देना, बात है 1303 की, और इन्होंने पद्मावत कब लिखी? 1540 में। कब लिखी? 1540 में। अब आप भी दिमाग लगा सकते इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। कितने वर्षों बाद में? लगभग 250 वर्ष बाद में, लगभग 240 साल बाद में पुस्तक लिख रहा है, तो कितनी सच्चाई होगी, कितनी इसमें झूठ होगी, वो तो आप भी जानते हो भाई, नहीं जानते? तो ये बात मैं नहीं कहता, कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी कहता है पद्मावत नामक अपनी पुस्तक में जो 1540 में लिखी गई। क्या कहता है कि सिंघल द्वीप का राजा पद्मिनी के तोते हीरामन को एक लुहार को बेच देता है, और लुहार कहां आ जाता है? चित्तौड़ के लिए आ जाता है।
और चित्तौड़ किले का शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। लोहार ने वो तोता रावल रतन सिंह को बेच दिया। किसको बेच दिया? रतन सिंह को बेच दिया। ठीक है साथियों, अब दो चार दिन में रतन सिंह के जो तोते की जो है उनकी भावनाएं मिलने लग गई, उन दोनों का व्यवहार हो गया। तो तोता एक दिन जो है रावल रतन सिंह के पास में जाता है और बोलता है कि महाराज आप अभी कुंवारे हो और सुंदर भी हो, आपका भी हैंडसम भी हो, मैं जहां पहले था सिंगल द्वीप में वहां पर एक राजकुमारी है, एक कन्या है जिसका नाम है पद्मिनी, और पद्मिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है पद्मिनी, इतनी सुंदर है, वो ऐसी है वैसी है, पता नहीं पद्मिनी कैसी कैसी है, यानी उसकी सुंदरता का बखान कौन करने लग गया? वो हीरामन तोता। किसके सामने? रतन सिंह के सामने, कि साहब पद्मिनी इतनी सुंदर है, जब पद्मिनी पानी पीती है तो पानी जो है पद्मिनी के गले से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। क्यों? पद्मिनी कुपोषण की शिकार थी क्या? खाने में कुछ मिलता नहीं था क्या उसको? ठीक है, तो पद्मिनी की सुंदरता का बखान किसके सामने कर दिया? रतन सिंह के सामने। किसने? उस हीरामन तोते ने। तो भाई रतन सिंह के मन में भी लड्डू फूटने लगे कि यार एक बार चल के देख लेते हैं, फिर मना करता नहीं यार हम नहीं जाएंगे। फिर बेचारे के मन में आती पद्मिनी यार ऐसी है, देख लेते हैं एक बार। तो जो रतन सिंह है चित्तौड़ किले से रवाना होकर चले जाते हैं कहां? सिंगल द्वीप में। और सिंगल द्वीप का शासक कौन है? राजा गंधर्वसेन। और गंधर्वसेन की पुत्री कौन है? पद्मिनी। और पद्मिनी कैसी? बहुत ही सुंदर। पद्मिनी कैसी? बहुत सुंदर थी पद्मिनी। कुछ दिन यहां पर जोगी के या योगी के बैच में कौन रहता है? रतन सिंह। कैसे बैच में रहते हैं? योगी के बैच में रहते हैं। योगी के वेश में रहकर यहाँ घूमते हैं सिंगल द्वीप के महलों के चारों ओर, और कभी खिड़कियों से देखते हैं पद्मिनी को, कभी इसको बाग में गार्डन में घूमते हुए देखते हैं, चुप चुप के देखते हो नहीं तुम लोग? वैसे कौन देख रहा था? ये राजा रतन सिंह भी पद्मिनी को देख रहा था। कुछ समय बाद में गंधर्वसेन को पता लगता है कि भाई किसी दूसरे प्रदेश का कोई ऐसा युवक है जो मेरी पुत्री को या मेरी राजकुमारी को तांग झांग कर रहा है, कोई दूसरा लड़का है जो मेरी पुत्री से बातें कर रहा है। तो भाई गंधर्वसेन को गुस्सा आ गया और गंधर्वसेन ने क्या किया? पद्मिनी के विवाह के लिए संवेवर का आयोजन कर दिया। किसका आयोजन किया? संवेवर का आयोजन किया। और संवेवर क्या होता है? स्वयं के लिए वर चुनना। संवेवर क्या होता है? स्वयं के लिए वर चुनना। अरे मेरे लिए वर नहीं, पद्मिनी के लिए। क्या चुनना? स्वयं के लिए वर चुनना। संवेवर का आयोजन हो गया और संवेवर में बड़े बड़े प्रदेशों के महाराजा, राजा, राजकुमार, वीर योद्धा, कई सेनापति आकर बैठ जाते हैं। और सामने यहां सिंहासन पर कौन बैठता है? यहां सिंहासन पर बैठता है आपका कौन है? गंधर्वसेन। कौन बैठता है? गंधर्वसेन। और गंधर्वसेन के सामने और कौन बैठते हैं? इसके सेनापति बैठते हैं, और जो इसके राजगुरु हैं या जो भी इसके सामंत हैं वो कहां बैठ जाते हैं? सामने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं। सिंहासन के ऊपर कौन बैठते हैं? सामने सामने मंच के ऊपर बैठी होती है कौन? पद्मिनी। कौन बैठे होते साथियों? पद्मिनी। राजकुमार दो पंक्तियों में बैठे हुए थे ऐसे, और बीच में पद्मिनी के आने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ था। अब जैसे ही पद्मिनी जो है हाथों में वरमाला लेकर के, हाथों में वरमाला लेकर के पद्मिनी आगे बढ़ती है, तो आगे वाला देखता है कि भाई वरमाला मेरे गले में डालेगी। फिर जब आगे बढ़ती है तो आगे वाला देखता है नहीं यार मेरे गले में डालेगी। सबके मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे थे कि बेटा मेरे गले में आएगी, वो देखता है मेरे गले में आएगी। अब लास्ट में यहां पर कौन बैठा था? यहां पर लास्ट में बैठा था आपका कौन है? रतन सिंह। कौन बैठा था? रतन सिंह बैठा था यहां लास्ट पंक्ति में पीछे की सीट पे। और रतन सिंह को तो पहले से ही पता था कि भाई वरमाला तो मेरे गले में आने वाली है, क्योंकि सेटिंग तो दोनों की सेटिंग तो पहले से ही हो ही रही थी, सेटिंग तो पहले से हो रखी थी। तो रतन सिंह को भली बात ही पता था कि वरमाला तो मेरे ही गले में आने वाली है। ठीक है साथियों, अब पद्मिनी आती है और वरमाला किसके गले में डाल देती है? रतन सिंह के गले में डाल देती है। रतन सिंह पद्मिनी से विवाह कर लेते हैं। विवाह करके कहां ले आते हैं? चित्तौड़ किले में ले आते हैं। और पद्मिनी के साथ में पद्मिनी के एक तो भाई और चाचा। कौन? चाचा व भाई, जिनका नाम है गोरा व बादल।
इनको भी अपने साथ में लेके आती है, किनको? गोरा बादल को भी अपने साथ में दहेज में कौन लेके आती है? पद्मिनी लेके आती है। और आगे चल के इन्हीं गोरा बादल को रतन सिंह क्या बना देते हैं? चित्तौड़ का सेनापति बना देते हैं। किसको? गोरा बादल को, जिनमें गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई है। कहां गए साहब? चित्तौड़ किले में आ गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जासिक। मैं तो ये बातें नहीं करता हूं यार, कौन कह रहा है ये बातें? मलिक मोहम्मद जासिक कहता है। तो चित्तौड़ में कौन आ गया? रावल और रतन सिंह आ जाता है। अब जब चित्तौड़ में आ गया तो चित्तौड़ किले में एक ब्राह्मण था इनकी सेना में या इनके राज दरबार में। किनके राज दरबार में? रतन सिंह के राज दरबार में। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? राघव चेतन। जो कैसा था? तांत्रिक ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था भाई? तांत्रिक ब्राह्मण था। इसका नाम क्या था? राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। किसके दरबार में था? रावल रतन सिंह के दरबार में था। अब ये तांत्रिक ब्राह्मण क्या करता था? ये आत्माओं से बातें क्या करता था? आत्माओं से बातें कैसे? सुना कना रही है। अच्छा, मतलब आत्माओं से ये बातें क्या करता था। और ये बात जब रावल रतन सिंह को पता लगती है तो रावल रतन सिंह ने क्या किया? राघव चेतन को चित्तौड़ के राज्य से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया कि भाग जा तुम। क्या हो जा? तू भाग जा तुम, नहीं जो तुम मेरे को दे दीजिए। तो तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन भी जाने क्या बोलता है? तूने ब्राह्मण से पंगा लिया है, तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी का तो पूरा परिवार की खत्म खानी है कि नहीं है? इसकी लुगाई चिमना बेगम वो भाग रही है मोहम्मद के पीछे। किसके पीछे पड़ी है? मोहम्मद के पीछे। इसकी बेटी फिरोजा वो पड़ी है विरमदेव चौहान के पीछे। और खुद अलाउद्दीन खिलजी सारा दूसरे को लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है? अब देखना राघव चेतन किसके पास आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास आ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास आकर बोलता है कि महाराज आप दिल्ली में बैठे हो? तो बोला कहां जाऊं सारे, तुम दिल्ली में बैठे हो? बोला हां बैठा हूं। कि महाराज चित्तौड़ में आपके महत्व का जो राज्य है कौन सा है? चित्तौड़। अगर आपको मालवा जीतना है, गुजरात जीतना है, दक्षिणी भारत को भी आपके अधीन करना है तो पहले आपको कौन सा किला जीतना पड़ेगा? चित्तौड़ किला जीतना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो मैं जानता हूं, लेकिन जीतू कैसे ये बता मेरे को। कि महाराज अभी चित्तौड़ में जो शासक है ना वो बड़ा रसीला टाइप का है। कैसा है? रसीला टाइप का है। उसको राज ज्ञान नहीं रखना। अभी शासक बना है, अभी उसने शादी की है। शादी की है लुगाई कह की है। बोला साहब बहुत सुंदर है। मतलब कैसा था? अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था? एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो राघव चेतन जो है चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि जो रावल रतन सिंह है उसकी पत्नी का नाम है पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। और वो बहुत सुंदर है। कैसी है? बहुत सुंदर है। पद्मिनी ऐसी है वैसी है, पता नहीं पद्मिनी कैसी कैसी है। बोला यार एक बार देखना चाहिए, बिल्कुल बड़ा देखना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी भी क्या हो जाते हैं? पद्मिनी के सौंदर्य के ऊपर मोहित हो जाते हैं और मन में एक लालसा आती है कि पद्मिनी को देखना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखता है किसको? रतन सिंह को। और पत्र में क्या लिखता है कि देखे महाराज मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूं। तो रतन सिंह का तेरा बड़ा आदमी मारी लुगाई ने, तू क्या देख सी? ठीक है। तो रतन सिंह वापस पत्र लेकर किसके पास भेजते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के पास कि महाराज ये हमारी आन बान शान और आबरू के खिलाफ है। हम राजपूत वीर हैं, हम ऐसी प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं के हमेशा खिलाफ रहे हैं। दोबारा आप ऐसी बात मत करना, नहीं युद्ध के लिए तैयार हो जाना। तो अलाउद्दीन दूसरा पत्र लेकर किसके पास भेजते हैं? रावल रतन सिंह के पास में भेजते हैं। और क्या लिखते हैं पत्र में? कि या तो आप पद्मिनी का जो सौंदर्य दर्शन मुझे करवा दीजिए, नहीं आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो रतन सिंह देखता कि रह भला आदमी, कितनी तो मेरे पास सेना भी नहीं है। तो बोल रहे देखना ही तो एक बार आजा भाई देख ले तू। क्या कहता है? आजा भाई अलाउद्दीन तू एक बार देख जा। अब देखना अलाउद्दीन जो है चित्तौड़ किले में आता है और चित्तौड़ ध्रुव, ये आपका चित्तौड़ ध्रुव है,
इस चित्तौड़ दुर्ग में है आपका पद्मिनी महल। कौन सा महल है? पद्मिनी महल है, और इस पद्मिनी महल के किनारे के ऊपर बना हुआ है आपका पद्म तालाब। कौन सा तालाब है? पद्म तालाब बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का दर्शन करवाने के लिए पद्मिनी महल में दो दर्पण लगाए गए। क्या लगाया? दो शीशे लगाए। एक शीशा लगा दिया दीवार में और एक शीशा लगा दिया ऊपर छत में, और शिशु की फिटिंग इस प्रकार से कि शिशु की सेटिंग कि सूर्य की किरणें जब दीवार वाले शीशे के ऊपर पड़ेंगी तो उस शीशे का प्रतिबिंब कहां बनेगा? छत में लगे हुए शीशे के ऊपर। और छत में लगे शीशे का प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसे पद्म तालाब में बनेगा। तो साहब जैसे अलाउद्दीन खिलजी आ गए पद्म तालाब के पास, आगे क्या हो गए? खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? पद्म तालाब के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इधर शीशे के सामने खड़ा कर दिया किसको? पद्मिनी को। और खिड़की से जो विंडो थी, खिड़की थी, खिड़की से पर्दे हटा दिए, और पर्दे हटाते ही सूर्य की किरणें कहां पड़ गई? शीशे के ऊपर पड़ी। शीशे के सामने कौन थी? पद्मिनी थी। पद्मिनी का प्रतिबिंब कहां बनता है? इस तालाब में बनता है। और तालाब के किनारे कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था।